फेस्टिवल ऑफ पंजाब इज सेलिब्रेटेड ऑन 13 जनवरी एवरी ईयर. पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स ऑन द डे. दे वर्शिप द गॉड. दे सिंग एंड डांस. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेलिंग. तो आज का हमारा टॉपिक है पंचुएशन मार्क, मीन्स विराम चिन्ह. हिंदी में पंचुएशन मार्क को हम बोलते हैं विराम चिन्ह. और हिंदी ब्रेल और इंग्लिश ब्रेल दोनों के जो पंचुएशन मार्क के डॉट्स हैं वो सेम हैं, पर मैथ्स ब्रेल में जो हम पंचुएशन मार्क या फिर सिंबल्स यूज़ करते हैं उनके डॉट्स टोटली डिफरेंट हैं इंग्लिश और हिंदी ब्रेल से. तो इंग्लिश और हिंदी ब्रेल के जो पंचुएशन मार्क या विराम चिन्ह हैं उनके डॉट्स आपके सेम हैं और मैथ्स के अलग है. वो आप मैथ्स की जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है उसमें चेक करेंगे, वहाँ आपको मिल जाएंगे. तो आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह, हिंदी के पंचुएशन मार्क. वो आज हम स्टार्ट करते हैं. पहला विराम चिन्ह है हमारा पूर्ण विराम. पूर्ण विराम बेसिकली जो हम सेंटेंस के एंड में यूज़ करते हैं, वाक्य के एंड में जो हम लाइन लगाते हैं उसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम. पूर्ण विराम का डॉट है डॉट 256. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्वल्प विराम. स्वल्प विराम मीन्स कॉमा. कॉमा का डॉट है आपका डॉट 2. सिंपल आपको डॉट 2 यूज़ करना है कॉमा के लिए. नेक्स्ट चिन्ह है हमारा अर्धविराम. अर्धविराम मीन्स सेमी कोलन, और सेमी कोलन का डॉट है हमारा डॉट 2-3. फिर है हमारा उद्गार चिन्ह. उद्गार चिन्ह मीन्स आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, और एक्सक्लेमेशन मार्क का डॉट है डॉट 2-3-5. इसके बाद है हमारा प्रश्न चिन्ह मीन्स क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क का डॉट है आपका डॉट 2-3-6. और नेक्स्ट चिन्ह है हमारा विसर्ग. विसर्ग मीन्स कोलन. कोलन का डॉट है आपका डॉट 2-5. हमारा योजक. योजक मीन्स सिंगल डैश. सिंगल डैश का डॉट है आपका 3-6. देन इसके बाद है निर्देशक. निर्देशक यानी दो टाइम डैश इज नोन एज निर्देशक, और इसका डॉट है आपका फर्स्ट सेल में डॉट 3-6 लिखना है, और सेकंड सेल में अगेन यू हैव टू राइट 3-6. और इसके अलावा एक है हमारा दीर्घ निर्देशक. दीर्घ निर्देशक यानी बड़ा वाला डैश. इसमें जितनी बार आपके डैश्ड हैं उतनी बार आपको उतने सेल में डॉट 3-6 डॉट 3-6 ऐसे पुट ऑन करना है. अगला चिन्ह है हमारा अवतरण. अवतरण यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. दोनों को अवतरण बोलते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, जो आपके इन्वर्टेड कॉमा थे वो. तो अवतरण में ओपनिंग के टाइम पे आपका डॉट यूज होगा डॉट 2-3-6, और क्लोजिंग के टाइम पे डॉट यूज होगा आपका डॉट 3-5-6. नेक्स्ट है हमारा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी आंतरीय अवतरण. इसमें आपके जो डॉट है सेम वही है, बस आपको फर्स्ट वाले सेल में डॉट 6 पुट करना है. फर्स्ट वाले सेल में डॉट 6, देन सेकंड वाले सेल में डॉट 2-3-6 ओपनिंग इन्वर्टेड कॉमा में, और क्लोजिंग के टाइम पे आपको पुट करना है डॉट 6 देन डॉट 3-5-6. ये हमारा कोष्टक. कोष्टक यानी सर्कुलर ब्रैकेट, और सर्कुलर ब्रैकेट की जो ओपनिंग है और क्लोजिंग है, ओपनिंग का डॉट है आपका डॉट 2-3-5-6, और क्लोजिंग का भी सेम डॉट है डॉट 2-3-5-6. ये जो डॉट बताया ये मैंने आपको बताया सर्कुलर ब्रैकेट का. इसके बाद है वृगाकार कोष्टक, मीन्स आपके जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं वो. इसका डॉट है फर्स्ट वाले सेल में लिखना है आपको डॉट 4, देन सेकेंड वाले सेल में डॉट 2-3-5-6, और क्लोजिंग के टाइम पे आपको लिखना है डॉट 2-3-5-6 फर्स्ट सेल में, और सेकेंड वाले सेल में डॉट 3. इसके बाद जो है हमारा हलंत. हलंत बेसिकली हम किसी वर्ड किसी अक्षर के नीचे यूज़ करते हैं. अगर हमें कोई आधा अक्षर लिखना है तो उसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं. हलंत का डॉट है डॉट 4. अगर आपको कहीं भी हलंत लिखना है, हलंत का यूज़ करना है, तो वहाँ आप डॉट 4 पुट ऑन करेंगे. तो ये थे हमारे कुछ विराम चिन्ह जो बेसिकली हमारे हिंदी ब्रेल में यूज़ होते हैं, और इसका इस सच कुछ स्पेशल रूल नहीं है. सिंपल जहाँ भी आपको नज़र आ रहा है कि हाँ आपको विराम चिन्ह का यूज़ करना है, वहाँ आपको सिंपल इनके डॉट पुट कर दे.
होप सो जितने भी विराम चिन्ह हमने आज की वीडियो में किए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, और इन केस कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी, तो यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम और YT। बाकी की प्रैक्टिसिंग एंड चेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।